देख रहे हैं दोस्तों, ये जन सैलाब धीरे धीरे उमड़ रहा है एससीईआरटी पर। अभी भी जो लोग जागे नहीं हैं, घरों से निकले नहीं हैं, वो लोग जल्द से जल्द एससीईआरटी पहुंच जाएं। और भीड़ लगातार बढ़ रही है और लोग अपने हक के लिए अब जागरूक हो रहे हैं। तो आप लोग भी अब घरों से निकलना शुरू कर दीजिए। जो अभी भी मेरे भाई बहन नहीं आ पाए हैं, वो भी आज ही निकलें घरों से। और प्रत्यावेदन जमा करने की लास्ट डेट जो है 19 तारीख आज लास्ट डेट है। उसके बाद किसी के का भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जल्द से जल्द जो है विवेक द्विवेदी जी के भाई का प्रत्यावेदन अभी नहीं जमा हुआ है, वो भी परेशान है। तो आप लोग जल्द से जल्द चले आइए। और भीड़ आप लोग देख रहे हैं, ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि कम से कम 1200-1500 भीड़ होगी। भीड़ इसी तरह बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं हम लोग निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आए अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि अगर आप इस पर इसमें आके संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत है। और मैं सच बता रहा हूं, आप लोग के लिए खड़ा हुआ हूं, तो आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कौन सहयोग करेगा? सीटे कैसे जुड़ेंगे, सीटे कौन जुड़वाएगा? आप लोग मिलेंगे, साथ देंगे, तभी सीटे जुड़ेगी। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोगों से निवेदन, हाथ जोड़कर 75 जिले के जितने हमारे भाई बहन हैं, जो लोग मीडिया से नहीं जुड़े हैं, वो सभी भाई बहन एक दूसरे से संपर्क करके बताएं कि एससीईआरटी पहुंचे, हमारी संख्या बढ़ाएं। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बोला था 22,000 सीट जुड़वाना चाहते हैं, 22 अभ्यर्थी नहीं। हम उनको दिखाना चाहते हैं 22,000 के लिए 22,000 अभ्यर्थी आ चुके हैं मैदान में। जाइए, एकजुट हो जाइए। अगर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला कि हम बीच का रास्ता बीच का रास्ता जितने अभ्यर्थी प्रत्यावेदन जमा करेंगे जाकर मैं शिक्षा निदेशालय में या मुख्यमंत्री आवास पर जमा कर दूंगा, उनको लिखा के डिटेल लिखवा के मैं खुद बोल दूंगा कि आज भी नौकरी चाहिए। बाकी अभ्यर्थी अपना घर पर सोए, ऐसी अपना टीवी देखें और अपनी वैकेंसी की तैयारी करें। उस वैकेंसी को भूल गई है, अब समय खत्म होने वाला है। हो सकता है मैं आज जितना आ जाने बच्चा जमा कर दूँ, फिर आप कोर्ट केस के लिए चाहे जो के लिए, कोर्ट तो वैसे भी डिसमिस कर देगा, जानते ही है, क्योंकि नौकरी देने का अधिकार सरकार को होता, कोर्ट को होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट केस भी करेंगे तो खारिज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा केस आपका। लास्ट मौका है, आज शाम तक जो आ जाएगा, अन्यथा कल कहानी खत्म सबकी। कल अगर बीच का रास्ता हमसे, क्योंकि सरकार ने हमारी तरफ ऑप्शन दिया है बीच का रास्ता, ठीक है। आगे की बात आलोक सिंह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने जॉब भविष्य के लिए जरूर रहिए। अगर आपको थोड़ा सा टेंशन, मंत्री पागल हो गया, उसे ये नहीं पता है परिवार आपको माफ करेगा कि नहीं होनी है। कोई अभ्यर्थी आपको माफ नहीं करेगा। आगे की बात, 68,500 फॉरवर्ड हो सकती है तो 1,37,000 का 5,70,000 है।
भीड़ हमारे पास लगातार बढ़ती जा रही है, मगर आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पर आइए और इस मुहिम को आगे ले जाइए। ये शिक्षा मंत्री के मुंह पे तमाचा मारिए जिसने ऐसा बयान दिया कि ये नियम असंवैधानिक है। जब सीटें 72,825 की सीटें जुड़ सकती हैं तो 68,500 की बची हुई सीटें 69,000 में क्यों नहीं जुड़ सकती? अगर शिक्षा मंत्री चाहते हैं तो वो इस पे किसी बड़े न्यूज चैनल पर हम लोगों से डिबेट करें और हम बताएंगे कैसे सीटें जुड़ सकती हैं, कैसे नहीं जुड़ सकती। आगे की बातें जो है हमारे मित्र जो है अभय भाई करेंगे। शिक्षा मंत्री की बातों से दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव अपने सभी मित्रों विवेक द्विवेदी, अरविंद शिकरवार, आलोक सिंह राजपूत, मलकेश सिंह और मैं सभी मित्रों के की तरफ से आप सभी से बस यही अपील करना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग इस सीआरटी की धरती पर आ जाएं। आप खुद सोचिए, हम लोग पानी की टंकी पर चढ़कर भी हिम्मत नहीं हारे। शिक्षा मंत्री का कल बयान आया था, हमने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो चाहता है कि ऐसा बयान दें कि बच्चे यहाँ से भग जाएं और हमारा जो गला फंसा हुआ है वो बच जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जब तक आप जोड़ेंगे नहीं ना, हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। क्योंकि हम अब उस रास्ते पे आ चुके हैं जहाँ से हमें बैक होना, अब हम बैक नहीं होंगे। हमने अपना 60 दिन गंवा दिया। अब हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं कि आप सभी लोग सहयोग करने आइए, संख्या बल को बढ़ाइए। कल तक बढ़ा दीजिए हमारी संख्या बल को इतनी, क्योंकि अब आपका PGT का भी पेपर हो गया है। अब देखिए कि आप अब पेट की तैयारी में भिड़े तो भाई पेट इतनी जल्दी से क्यों करवा रही है सरकार? कहीं ना कहीं धांधली उसमें होना तय है। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए, पेट छोड़िए, 2 से 3 दिन हमें यहाँ दे दीजिए। अरे पेट से अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 पेट बराबर एक प्राथमिक की नौकरी है। 2 पेट का बंदा होगा, ठीक है, अगर 2 पेट का बंदा होगा, ठीक है, उसके बराबर एक प्राथमिक की सैलरी है। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? आप सैलरी को ही देख कर चलिए, आप सीट को देख के मत आइए, आप सैलरी को देख के चले कि 43,500 सैलरी है। और 43,500 मतलब जानते हैं कि परिवार पूरा सुधर जाएगा, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो सुधर जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए जनसैलाब आपको पहले आप देख लीजिए, सब आ चुके हैं, धीरे धीरे संख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है। आप लोग भी जल्द से जल्द SCRT पर कल तक आ जाइए, हमारी संख्या को बढ़ा दीजिए ताकि हम इस जीत पर एक कदम और बढ़ा दें। इसके आगे हमारे मलकेश सिंह कुछ कहना चाहेंगे आपसे। भाइयों नमस्कार, मैं मलकेश सिंह। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हाँ, संख्या बल का भी तुम्हें रूप देखने को मिल गया होगा। शायद हमारा और तुम सभी लोगों का सहयोग है तो बहुत जल्द हम अपने अपने विद्यालय में होंगे, ईश बनना चाहो तो। और ऐसा नहीं है, आप लोग शिक्षा मंत्री ने जो कुछ बोल दिया उसके विचलित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मंत्री जो है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने ही फैलाया है, इसलिए वो अपनी मूर्खता पूर्ण बातों को मीडिया के सामने छुपा रहे हैं। हम लोगों को गुंडा तक बता दिया, आज के सपा के गुंडे हैं ये लोग जो टंकी पे चढ़े हुए हैं। आलोक सिंह, मलकीत सिंह, अरविंद शिकरवार, विवेक द्विवेदी और अरविंद शिकरवार, हम 5 लोग टंकी पे 8 दिन से चढ़े हुए हैं। हम लोगों को उसने क्या कहा विधानसभा में, ये 5 लोग गुंडे हैं, समाजवादी के गुंडे हैं। तो ये चीज हम सब आपके लिए सह रहे हैं और ऐसा नहीं है सहेंगे, और उससे उस भ्रष्टाचारी मंत्री से अपना अधिकार लेके रहेंगे, उसकी जो है जवान खींच लेंगे, नहीं तो उसे जवाब देना पड़ेगा मीडिया को या हम लोगों से आके मिलना पड़ेगा, नहीं तो उसका जीना आराम कर देंगे हम। और हमने पहले भी कहा था ये कफन है, ये सापा नहीं या गमजन नहीं, ये कफन है, ये जो सर पे बंधा है। हम तभी जाएंगे जब सीटें जुड़वा के जाएंगे उससे, ये वादा है मेरा। आप आइए, जनसंख्या दिखा दीजिए, सारा काम हम लोग करेंगे, अपनी जान पे खेल जाएंगे आपके लिए। सिर्फ आना है यहाँ पे, भारी से भारी संख्या दीजिए और हम देखना फिर हम क्या करते हैं आगे आगे। इन भ्रष्टाचारियों को कभी भी हम अपना हक खाने नहीं देंगे, कभी भी अपना हक खाने नहीं देंगे हमने, क्योंकि अगर आज हमने इन्हें अपना हक खाने दिया तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो जो कभी जो है इस चीज को, अगर आज हमने मतलब आज हमने आंदोलन नहीं किया, आंदोलन करके इनसे अगर अपना अधिकार नहीं छीना तो कल को हमारी आने वाली संतान है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने अधिकार के लिए तरसेंगी। आप आ जाइए, आंखें खोल लीजिए,
और SCERT की सरजमी पर आइए, हमारा सहयोग कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको सीट जुड़वा के ही रहेंगे। शिखर तक वही पहुंचता है जिसके पैरों में दम होता है, शिखर तक वही पहुंचता है जिसके पैरों में दम होता है। हमारे पैरों में दम है, हम सरकार से लड़ेंगे और उनसे अपना अधिकार हर हाल में लेकर रहेंगे। बस हमें सहयोग है, हमें ज़रूरत है तो आपकी। हम अपने भाई बहनों को बताना चाहते कि आप लोग कल तक हर हाल में पहुंच जाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आज 22,000 का नारा दे रहे हैं, कल को सरकार भीड़ ना देखे उसके बाद कहे कि हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द लखनऊ की धरती पर आइए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, बाबा तुमसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा तुमसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा जी तुमसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा तुमसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं। हम गुंडे नहीं, हम योग्य हैं, योग्य हैं, योग्य हैं। हम गुंडे नहीं, हम योग्य हैं, योग्य हैं, हम योग्य हैं। हम गुंडे नहीं, हम योग्य हैं, योग्य हैं, हम योग्य हैं। हम गुंडे नहीं, हम योग्य हैं, योग्य हैं, हम योग्य हैं। हम गुंडे नहीं, हम योग्य हैं, योग्य हैं, हम योग्य हैं। नहीं चिंता करने की, बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, सभी लोग धैर्य बना के रखिए, क्योंकि जितना कठिन परिश्रम होगा सफलता उतनी मीठी होगी। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, इसलिए हमारे भाई बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, धैर्य बनाकर रखें। धैर्य का फल मीठा होता है, और भगवान शंकर जी पर भरोसा रखिए, भगवान शंकर जी हम सब पर कृपा बनाए रखे हैं।